शामगढ़ पंचायत के अंतर्गत और सकराय गांव के पास में ही है। यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर और यहां पर हम आए हैं। एंटर करते ही आपको दिखाते हैं कि पहाड़ियों के एकदम बीच में जो है ये पूरा स्थान है और सामने की पहाड़ियां हम दिखाएंगे। पूरा घाटी में जैसे मंदिर बना हुआ है, घाटी का ये स्थान, यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर और यहाँ मंदिर के दर्शन हम आपको करवाएंगे। बाहर की दुकानों का कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रसाद वगैरह जो है दिए जाते हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदर जो है हम एंटर करेंगे, इससे पहले बाहर का दृश्य शाकंभरी माता का आपको हम दिखा रहे हैं। माता शाकंभरी के हम आपको दर्शन करवाएं, इससे पहले यहाँ पर जो द्वार है, द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं और माता को चढ़ाने हेतु पुष्प, गुलाब के फूल जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। और ये कुछ फूल जो है गुलाब के हैं, कुछ गुड़ल के जो पुष्प है वो यहाँ पर जो है आपको दिख रहे हैं। और यहाँ से अब आगे जो है अंदर हम एंटर करते हैं और माता शाकंभरी का ये मुख्य द्वार आपको दिखाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो शेखावाटी अंचल या बाहर से जहां से भी है, वो अगर अच्छे मंदिर की सोच रखता है कि मैं मंदिर में जाऊं और माता के दर्शन करूं, तो ये स्थान उसके लिए उपयुक्त है। यहां पर जरूर आए माता शाकंभरी के दर्शन। शाकंभरी देवी का वैसे भी कहा गया है, विधान ये है कि माता शाकंभरी जो है वो शाक यानी शाकाहारी भोजन एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर शाकाहारी भोजन, शाकाहारी प्रसाद जो है माता शाकंभरी को चढ़ाया जाता है। परिसर में हम आ गए हैं, यहाँ पर दोनों ओर हम आपको दिखाते हैं कि गेस्ट हाउस बने हुए, मकान बने हुए और जहाँ लोग रुकना चाहते हैं वो रुक भी सकते हैं। विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनके माध्यम से जो है वो ये इतने सुंदर कलाकृतियों के साथ जो है मकान बनाए हुए हैं। ये पुराना मकान है और ये जो है एक और इसके साथ है। अब मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो हम आपको दिखाते हैं। इस मुख्य द्वार से जो है एंट्रेंस होगी और आगे की जो बातें हैं हम आपको, इस मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ से जुड़ी हुई क्या ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को जाननी चाहिए, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। के अगर दर्शनों के लिए आपको आना है तो यहाँ का रास्ता सीकर होके भी होता है और झुंझुनू होके जो है अगर चूरू से आना हो, और अगर दिल्ली से आप आते हैं तो झुंझुनू होके उदयपुर वाटी है। उदयपुर वाटी जो है एक स्थल है जहाँ से आप लोहारगल और शाकंभरी की तरफ आ सकते हैं। इन पहाड़ों की शुरुआत जो है वो उदयपुर वाटी से होती है। घाटियों के अंदर से आते हुए आप माता शाकंभरी के इस दरबार में आते हैं। बहुत सारे लोग जो है आते रहते हैं, यहाँ पर दर्शन माता के करते हैं। कुल देवी कई जो लोग हैं उनकी कुलदेवी जो है माता है और ये स्थान जो है बहुत माता जैसे पहाड़ों वाली ही होती है, पहाड़ों में ही बसती हैं। तो यहाँ पर भी पहाड़ों के बीच में तलहटी में माता शाकंभरी का ये मंदिर स्थित है। माता के दरबार में हम आ चुके हैं और यहाँ से अब जो है अंदर आपको लेकर चलते हैं और माता के दर्शन आपको घर पर बैठे हुए हम करवाएं, आप तक जो है ये दर्शन पहुँचे। और श्रावण मास का ये महीना जिसमें माता की पवित्रता, भव्यता और ये हमें यहाँ पर देखने को मिले। आप देखेंगे माता का ये भव्य दरबार सजा हुआ है। अब बात करते हैं, पुजारी जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं पूरी व्यवस्था के बारे में। यहाँ का मंदिर का क्या हिसाब रहता है, कैसे कोई व्यक्ति आए तो यहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है, बात करते हैं। जी नमस्कार महाराज जी। यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शकों को हम जानना चाह रहे हैं, शाकंभरी माता का क्या यहाँ पर इतिहास, क्या मान्यता है, लोग आए तो उनको क्या बताते हैं? यहाँ
शाकंभरी माता का मंदिर है, यह सिद्धपीठ है और यहाँ अपने आप एक प्रादुर दो मूर्ति निकली हुई है, उनका नाम है ब्रह्माणी और रुद्राणी। ब्रह्माणी शाकंभरी जी और रुद्राणी काली जी, ऐसे दो प्रतिमा है। और यहाँ पर नवरात्रों में और में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ अनुष्ठान इत्यादि बहुत होते हैं, सतसंडी वगैरह ऐसे संडी वगैरह सब होती रहते हैं और सबकी जो भी यहाँ मनोकामना कर ले करके आता है उसके सफलता प्राप्त होती है। रावण आकर के यहाँ तपस्या की, ये ऐसा तो यहाँ आता है लेकर उल्लेख मिलता है और कोई उल्लेख मिलता नहीं है। रावण आकर के यहाँ तपस्या करी, रावणेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर और यहाँ नजदीक में और सब यहाँ पूजा पाठ, वहाँ भी रुद्राभिषेक वगैरह सब होता है और पूजा पाठ भी होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में जो है माता शाकंभरी के तीन ही सिद्धपीठ हैं, जिसमें से एक सिद्धपीठ जो है वो यहाँ स्थित है और ये जो माता का दरबार है ये बड़ा भव्य दरबार है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कष्ट हो माता के आगे आप चरणों में रख दीजिए, वो कष्ट आपके मिटते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और माता शाकंभरी जो है उनको जो साग सब्जी कहें या फिर शाकाहारी प्रसाद कहें वो चढ़ाया जाता है, इसलिए शाकंभरी भी जो है नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आए हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं, सह परिवार आते हैं, युवा भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। तो यहाँ का स्थान जो है इसको पवित्र बनाने हैं, तो यहाँ की पूजा, यहाँ के भक्तों की पवित्रता वो इस स्थान को पूजित करती है, पवित्र बनाती है और इस स्थान पर माता का ये दरबार सजता है। और यहाँ की आप सुंदरता आप देखिए, ऊपर जो है शीश महल के हिसाब का, शीश महल जैसा ये स्थान तैयार किया हुआ है। आप नज़दीक से माता के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, यही हमारे देव दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, माता के दरबार में चुनरी चढ़ाते हैं, यहाँ कन्याओं को भोजन करवाते हैं, ये विधान यहाँ का रहता है। कन्या देवी का रूप होता है और देवी कन्या को भोजन करवाने से प्रसन्न होती हैं, ये यहाँ का विधान बताया गया है। पुजारी जी, यहाँ पर विशेष रूप से जो है कब कार्यक्रम होते हैं इस पूजा पाठ के हिसाब से? हाँ, यहाँ विशेष कर करके कार्यक्रम होते हैं, सतचंडी वगैरह होती है, सहस्र चंडी भी यहाँ पर कई बार तीन चार सहस्र चंडी हो जाती है साल में, एक साल कब ये कोई भी दिन इसका ठीक नहीं है, जब भी नवरात्र में भी होता है, नवरात्र में जगह की संकीर्णता होने की वजह से और वैसे आषाढ़ में, माघ में, मांगसिर में, फाल्गुन में, ऐसे सहस्र चंडी ग्यारह होती है, माघ में होती रहती है। धन्यवाद। दरबार में चुनरी चढ़ाई जा रही है और ये चुने वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ विशेष कर करके हलवा पूड़ी का भोग लगता रहता है और हलवा पूड़ी का भोग लगता है और कन्याओं के उनको भोजन कराते हैं। एक कन्या को भोजन कराने से और सहस्र गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए कन्याओं का विशेष महत्व है। यहाँ कन्या भोजन करती रहती हैं बराबर और जो भी कोई यात्रीगण आता है तो वह प्रसाद बनवाता है, बनवा करके कन्याओं को भोजन करवाते हैं। माता के दरबार में सप्तशती का पाठ हर समय चलता रहता है, ये पाठ इस जगह की पवित्रता को, भव्यता को बनाता है और जो इस परिवार से, इस मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर पाठ करते रहते हैं। हमारे वेद वेदांगों की इस भाषा में बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जो वातावरण की पवित्रता बनाती है, हमारे समाज को शक्ति प्रदान करती है, देश के संचालन में शक्तियाँ अपना कार्य करती हैं। ऐसा ही एक सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं और ये शाकंभरी माता का मंदिर जहाँ आपने माता के दर्शन किए और माता के दर्शनों के बाद हम आपको यहाँ पर इतिहास के बारे में, यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में
बात करवाते हैं। यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान और भी हैं जो कि माता के दरबार में, उन स्थानों को देखते हैं, उन स्थानों तक जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त है, व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। जी नाम बताइए। ओम जी पंडित जी। ओम जी पंडित जी, आप जो है यहाँ पर माता के दरबार के बारे में क्या बताएंगे और यहाँ क्या जो है कार्य करते हैं? मैं यहाँ माता के करीब 17-18 साल से आता हूँ। ऐसे हमारी ये कुल देवी है और इनकी बहुत बड़ी महिमा है। माता के यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के अंदर में 2.5 किलोमीटर चढ़ाई और 2.5 किलोमीटर उतरने के बाद माता बाराही का मंदिर स्थापित है। वहाँ साक्षात काली जी की मूर्ति है और वहाँ मंदोदरी की गुफा है एवं मंदोदरी की कुई है और मंदोदरी जी वहाँ तपस्या किया था। माता शाकंभरी में रावण कुंड है, रावणेश्वर मंदिर है और रावण खुद यहाँ तपस्या किया था। यहाँ की गद्दी पर जो भी नाथ जी आसीन होते हैं उनका वहीं से उत्थान होता है। वो कर्ण में जो कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं वो वहीं पर पहले कर्ण छेदन होता है और उन्हीं के परमिशन से यहाँ माता शाकंभरी क्या करके नाथ गद्दी पर आसीन होते हैं। है ना, ये माता की ये यहाँ का आपने विधान बताया। तो नाथ संप्रदाय के व्यक्ति ही जो है वो यहाँ की गद्दी के आसीन होते हैं और वो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। यहाँ जो नाथ बनेंगे वो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, उनकी शादी वादी नहीं होती है। और वहाँ बाराही देवी के यहाँ से ही उनका कर्ण छेदन होता है और कुंडल पहनाए जाते हैं, वही आकर के यहाँ नाथ गद्दी पर आसीन होंगे। माता शाकंभरी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, ये प्रमाणिक है। तो आपकी जैसे कुलदेवी हैं, आपका परिवार यहाँ पर पूजित करता है, पूजा करता है, जो है इनकी ताकत जो है वो बताएंगे। मैं स्वयं इनका पुजारी हूँ, मेरा इष्ट यही है और मेरी 40 साल की सर्विस के अंदर में ये प्रत्यक्ष पाया हूँ कि मैं नॉन मेट्रिक आदमी हूँ और मैं बिरला कंसर्न में सबसे हाई फाई पेपर मिल में, एशिया की टॉप मोस्ट मिल में काम किया, वो इन्हीं का शक्ति है। अच्छा, यहाँ पर लोग जो है कहाँ कहाँ से आते हैं? जो है दूर दराज ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग आते हैं, है ना। खाली विदेशी अभी यहाँ आगमन नहीं होते हैं, बाकी इंडिया के कोने कोने से यहाँ प्रत्येक कास्ट के आदमी आते हैं और अपनी मनोती मान के जाते हैं। माता के यहाँ अपनी इच्छा से मनोती मानने के लिए नाल में बांध करके चढ़ा दीजिए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ मतलब इसका तरीका ये रहता है कि नारियल लेके आएं और अपनी जो मनोकामना है वो डोरी के माध्यम से वहाँ पर जो है उसमें बांध दीजिए माता के यहाँ और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, तो माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। हाँ, आशीर्वाद नहीं, प्रत्यक्ष उनको फल मिलता है। और मैं पूरी ऑल ओवर इंडिया की हर देवी को देखा हुआ हूँ, है ना। यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मैंने ऐसा कोई देवी का मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ आने से जैसा शांति और अच्छा लगता है वैसा कहीं नहीं लगा। बहुत बढ़िया है। तो देखिए पंडित जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं और माता का दरबार जो है, इस दरबार की ताकत जो है वो आप देखेंगे। यहाँ इतनी पहाड़ों के बीच में भी लोग इतनी दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है, ये इनके द्वारा बताया है। और इस दरबार की भव्यता तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो भी आता है बड़ा ही खुश होकर यहाँ से जाता है, माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। जाने का कोई रास्ता नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा पहाड़ियों में, मगर वो प्रत्यक्ष हैं। वहाँ माता के यहाँ मांसाहारी भी भोजन होता है, मदिरा एवं मांस का भी भोग लगता है वहाँ पर वाला। यस यस सर। और यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ शाकंभरी साग सब्जी है ना, फल फ्रूट, इसीलिए नाम भी शाकंभरी है। यहाँ पर साग सब्जी ही जो है वो चढ़ाई। दो मूर्ति है, ब्रह्माणी और रुद्राणी, एक लक्ष्मी है एक काली है, है ना। लक्ष्मी के लिए यहाँ ब्रह्माणी के नाम से विख्यात हैं और रुद्राणी जो है काली जी के नाम से विख्यात हैं। उनका यहाँ पद चिन्ह है, लेकिन इनकी जो प्रत्यक्ष जो गद्दी है वो बाराही में ही है, है ना, क्योंकि वहाँ मांस चढ़ता है, यहाँ नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पर जो है नवरात्रों में जैसे 4 नवरात्रे होते, 2 गुप्त हो गई, 2 प्रत्यक्ष हो गए, तो उन 4 नवरात्रों में विशेष पूजाएँ? हाँ, कई बहुत सचंडियाँ आती हैं यहाँ पर, हजारों की संख्या में पंडित आते हैं, सचंडी करते हैं, 20-20 सचंडी आती हैं और आती हैं। यहाँ माता रुद्राणी का सिर्फ पदचिन्ह है, लेकिन जो रुद्राणी जो काली है वो बाराही में स्थापित हैं। तो अच्छा, अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ कन्याओं को भोजन करवाने का एक विधान है, क्या विधान होता है, कैसे जो है लोगों को मनोकामना? जैसे जिसकी मनोकामना पूरी हुई और अपनी श्रद्धा अनुसार कोई 5 कन्या, कोई 15 कन्या, 100 कन्या, 101 कन्या, जितना भी ईश्वर की वो लोग भोजन कराते हैं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं और चले जाते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। माता के दरबार में प्रसाद की व्यवस्था यहाँ की जाती है और ये निःशुल्क व्यवस्था है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शाकंभरी माता के जाते हैं, लोहारगल जाते हैं, तो वहाँ भोजन की व्यवस्था, होटल वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन अब जो है यहाँ दरबार में ही भोजन की व्यवस्था
कर दी गई है, तो यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ आप आ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और यहाँ जो है बड़ा ही शुद्ध और शाकाहारी, क्योंकि माता का दरबार ही शाकाहार का है, तो यहाँ पर प्रसाद जो है ये व्यवस्था की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में जो है सभी लोग लगे हुए हैं भोजन चपाती सेकने में, और ये रसोई घर है, यहाँ से जो है भोजन के बारे में बात करते हैं जी। ये जो प्रसाद की व्यवस्था है क्या रहती है, क्या विधान? यहाँ निःशुल्क भोजन चलता है और 6-12 महीने के लिए सुविधा कर दी गई है यहाँ पे, और जितने भी यहाँ भक्त आते हैं, लोकल है या बाहर के हैं, सबको यहाँ फ्री खाना खिलाया जाता है। कोई टाइमिंग रहती है समय का? कोई सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक है। वैसे कोई यात्रियों ज़्यादा तो यात्रियों पर डिपेंड करता है कि पूरे दिन चलता है तो पूरे दिन यात्रियों को खाना खिलाया जाता है, और शाम को आरती के बाद में हम लोग खाना चालू कर देते हैं, और रात को 10-11 जो भी जितने भी यात्री आते हैं उनको सबको खाना खिलाने की। शाम का आरती का क्या समय रहता है? आरती का अमूमन गर्मियों में 7:30-8:30 और सर्दियों के अंदर 6:30 के लगभग हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये भोजन की व्यवस्था, ये प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है, तो शाकंभरी माता के जब भी आएँ तो प्रसाद की व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं।